हे दिस इज कामिल फ्रॉम कैम डिज़ाइन। तो स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंस्टाग्राम पॉपअप वीडियो पे है। हालांकि एक मैंने वीडियो इस पे बनाई हुई है, तो मैं फिर से आज बनाऊंगा, जो मैं बाकायदा बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो भाई लोग जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कोई आपको सीखना है, पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो ये एक मॉडल है, इनका ही पॉपअप हमें इंस्टाग्राम पे बनाना है। तो देखिए, पॉपअप इंस्टाग्राम पे उसी इमेज का बेहतर लगता है जिस इमेज में लगता हो कि मतलब एक फ्रेम है और उससे कुछ बाहर आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका पैर जो है, अगर हमको ये एक सीधी लाइन मारें तो इसका पैर जो है वो बाहर है, या हाथ हो सकता है बाहर हो, या कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऐसी इमेज लीजिए जो लगे कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, तो उस इमेज में आप इंस्टाग्राम पॉपअप बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो मैंने ये लिया है और एक इंस्टाग्राम विंडो आपको लेना है। आप अपनी मोबाइल से या अपनी प्रोफाइल से एक स्क्रीनशॉट स्नैप लेके किसी का रख सकते हैं। तो मैंने ये अपनी आईडी का लिया है कैम डिज़ाइन का, ठीक है, और ये मैंने इसके बैकग्राउंड के लिए लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कट। तो इसको कट करने के लिए आपको मैं पहले बता दूं, यहां से आप जाएंगे, जिनको नहीं पता है कि सिलेक्शन कैसे लेते हैं तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगा। तो वहां पे आप सिलेक्शन टूल की क्लास है पूरी प्रॉपर, वहां से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और प्रॉपर सिलेक्शन सीख सकते हैं। तो मैंने वक्त बचाने के लिए पहले ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखा है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन इसका ले रखा है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको वहां पे लेके जाऊंगा, ठीक, और यहाँ भी मैंने सिलेक्शन ले रखा है ये, ठीक है। तो अब मैं उस इसको उठा के सिलेक्शन जस्ट मूव टूल पे जाएं, इसको ऐसे पकड़ें और ऐसे इस पे लेके चले आए। अब इसमें कंट्रोल टी करें, अब इसको रिसाइज करना है, ठीक है। अब इसको रिसाइज करने के लिए इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और अब इसको मूव टूल से मूव कराएंगे। ओ कहाँ गया भाई, कंट्रोल जेड करिए, बहुत छोटा हो गया। तो कंट्रोल टी करिए फिर से, इसको कंट्रोल टी करिए, ठीक करिए। चलिए अब हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक, इसको आप और करिए, इसको नीचे लाइए और इसको ये। अब ये जो है इस पे ये भाई साहब बैठ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो वो है उसका जो बैकग्राउंड है, इसको मैं इमेज को और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी करिए और एक बार क्लिक करिए, हल्का सा छोटा और करिए और इसको ऊपर रखिए, ठीक, या हल्का सा पैर पूरा आ जाए, ठीक, परफेक्ट, ये आपने कर लिया। अब इसको थोड़ा मैं इस साइड कर लेता हूँ रूल ऑफ थर्ड में, अब ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड में हटा दूंगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है तो इसको मैंने रिमूव किया, ठीक। अब जो मैंने बैकग्राउंड लिया था ड्रामेटिक बैकग्राउंड, उसको मैं लेके आऊँगा। तो अगर आप कोई भी पिक उठाते हैं तो पहले उसकी एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अगर इसको हटा दूँ और इसको मान लीजिए मैं इसको केवल लेके जाना चाहूँ, इसको ये ठीक, इस तरह से यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसके नीचे चाहिए तो इसको नीचे करो, ठीक है,
और उसको क्या करेंगे, हम रिसाइज करेंगे, कंट्रोल टी से रिसाइज करेंगे। ये हमारा रिसाइज हो गया। मूव कंट्रोल टी, ठीक ठीक है। तो ये मैंने इसको मार दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें अगर आपको जैसे अब इसमें आपको कलर बैलेंस करना है इसका, इस बैकग्राउंड से इस इमेज का, तो इसको करने के लिए आपको देख लेना पड़ेगा कर्व, ठीक है। तो कर्व लेना होगा, तो कर्व आप लीजिए यहाँ से, कर्व्स लीजिए। और उसके बाद अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको ब्राइटेस्ट सिलेक्शन लेना होगा इसमें से, तो आप यहाँ के आसपास का ब्राइटेस्ट वो एरिया ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, मिड टोन लें, आप मिड टोन ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, डार्केस्ट एरिया लेंगे, डार्केस्ट एरिया ले लिया। और इस कर्व को आप ले जाएंगे ऊपर, इस इमेज के ऊपर, ठीक। और क्लिप इन मास, ठीक। तो ये अभी उतना आया नहीं है परफेक्ट, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कर्व को हम, ठीक है। तो या तो एक तरीका और भी है, एक तरीका और है कि इंस्टाग्राम में ये सॉरी कि इसका कलर बैलेंस कैसे किया जाए। तो फिर से हम इसको खोलते हैं। अब हम यहाँ पे गए, 1 मिनट, ब्राइटेस्ट एरिया, ब्राइटेस्ट एरिया हमने लिया, ठीक। उसके बाद हमने मिड मारा, मिड टोन मारा, और फिर हमने डार्केस्ट एरिया इसका लिया। तो डार्केस्ट एरिया चलिए मैं ले लेता हूँ, ये देखिए। अब ये आपकी इमेज जो है बैकग्राउंड से मैच कर रही है, देखिए, ठीक है। तो ये आपकी इमेज हो गई, बैकग्राउंड से मैच हो गई। अब मैं थोड़ा इस पे शेडो वेडो दे दूंगा, थोड़ा इसमें फील लाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक। डबल क्लिक करने पर आपकी एक विंडो खुल के आएगी लेयर स्टाइल की, ठीक। तो ड्रॉप शैडो, ठीक है। अब शैडो बहुत ज्यादा जा रही है, मैं ओपेसिटी, ओ ओपेसिटी उसकी कम कर रहा हूँ, सॉरी। यहां से इस पर क्लिक करें और ये कम करें, स्प्रेड कम करें, इसकी साइज कम करें, ठीक है। साइज इसकी और थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें, कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा और स्प्रेड कम कर लें, ओके करें। तो ये आपकी पॉपअप इमेज तैयार हो गई है। तो मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बता देता हूँ मैं। चलिए इसमें अगर आपको ग्लो इफेक्ट डालना हो तो अगर आप कैसे डालेंगे, बहुत सी इमेज मान लिया आप पिक कर रहे हैं हार्ट को, उसमें ग्लो इफेक्ट डाल दें, तो अगर आप वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है आज की वीडियो। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पॉपअप वीडियो बना सकते हैं, पॉपअप इमेज बना सकते हैं, और भी क्रिएटिव और भी प्रिसाइजली काम करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप यार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस वजह से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो भाई यार कम से कम एक ग्रुप में डाल दिया करो, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप में शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं है बस शेयर पे जाएं,
एक ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, तो इससे क्या होगा कि लोग मेरे चैनल पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।